सर मेरी हालत ये हुई है, हुआ क्या आपके साथ? मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत हुई, मेरे साथ ही हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी, और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़। मारपीट हुई आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं मेरे, ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है, कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है? मैं यहाँ पर सरकारी काम से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर, कहाँ गए? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका, रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए, उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की, और स्वयं SHO बन्ना देवी इस बात के गवाह है और CO साहब गवाह है, और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया, और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ अलीगढ़। अलीगढ़ में आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं? जी सर। थाना बन्ना देवी क्या मामला है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर मॉडिफाइड साइलेंसर होने का शक उसको हुआ था, जिसके वो विधिवत उसने चेकिंग की, और इसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा उसका घेराव किया गया, उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तथा उसमें से दो व्यक्ति उसके ऊपर हमलावर भी हुए। उपरोक्त प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है, अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा का, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उपरोक्त दोनों बुलेट चालक एवं हमलावर व्यक्ति दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उपरोक्त संबंध में साक्ष्यों के आधार पर CCTV फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, और सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पुलिस के साथ कहीं पर कोई भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कठोर